Hey guys, Sage here. और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी GPCR और सेल सिग्नलिंग की. इस वीडियो में हम दो और इम्पोर्टेंट पाथवेज डिस्कवर करेंगे. सबसे पहले है RTK पाथवे. RTK पाथवे क्या है? इसको बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस. और दूसरा JAK-STAT पाथवे है, जिसको बोलते हैं जेनस एक्टिवेटर काइनेस. तो JAK-STAT पाथवे और RTK पाथवे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो हम बात करते हैं RTK पाथवे के. RTK पाथवे क्या है? RTK पाथवे मैंने बताया कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे है. तो बेसिकली इसमें क्या है कि RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, अब इसको अगर ब्रेक करके देखें तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस. तो बेसिकली ये क्या है, एक रिसेप्टर से लिंक्ड एंजाइम है. तो बेसिकली हमने कहा ये सेल का रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर से लिंक कोई एक एंजाइम है, तो वो क्या कर रही है, काइनेज. अब काइनेज जो एंजाइम है, काइनेज एंजाइम क्या करती है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करती है. तो ये कुछ फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है, जिससे पता चल रहा है RTK पाथवे देख के. तो बेसिकली RTK पाथवे यही है कि रिसेप्टर से एक एंजाइम लिंक्ड है जो काइनेज की एक्टिविटी दिखाती है. और ये जो एक्ट करती है वो बेसिकली टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है, टायरोसिन अमाइनो एसिड है, उस पे वो एक्ट करती है. अब ये अमाइनो एसिड्स क्या है, ये जब मैं बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या क्या हैं. फिलहाल आप ये याद रखिए कि टायरोसिन जो अमाइनो एसिड होता है उसके एंड में एक OH ग्रुप होता है और इधर से एक बेंजीन रिंग होती है. तो टायरोसिन तो इस वाले पॉइंट पे वो फॉस्फेट इस पे यहां पे ट्रांसफर होता है. तो ये RTK पाथवे अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूं. तो बेसिकली RTK पाथवे जो है वो डाइमराइजेशन पे काम करता है. डाइमराइजेशन मतलब दो यूनिट एक साथ आना. अब वो कैसे होता है वो देखिए. लेट्स अज्यूम ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है. इस टाइप से कुछ हमने एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है और यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है. तो वो कुछ इस टाइप से ये रिसेप्टर टाइप का बना दिया हमने, ये उसकी सब यूनिट हो गई बॉडी, और ये ऐसे करके कुछ हमने बना दिया यहाँ पे. और यहाँ पे हमारे पास टायरोसिन मॉलिक्यूल्स हैं. टायरोसिन को Y से डिनोट किया जाता है, Y उसका सिंगल लेटर सिंबल है. ऐसी एक और यहाँ पे है. तो ये कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया. ये दो हमारे पास RTK हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस Y. अब क्या होगा, ये रिसेप्टर्स हो गए हमारे पास, दीज आर आवर रिसेप्टर RTK. अब क्या होगा, कोई लिगेंड है तो लिगेंड्स आके जब इन पे बाइंड करेंगे, लिगेंड्स आके इन पे बाइंड कर रहे हैं, तब क्या होगा लिगेंड्स की बाइंडिंग से, तो ये हो जाएंगे डाइमराइज्ड. कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो डाइमराइज्ड होंगे. डाइमर कैसे बनेगा, अब ये देखिए. सेम अगेन अगर हम इसी फिगर को देखें, इस टाइप से ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई. अब मैं उसका थोड़ा स्केल छोटा कर दिया है. तो ये कुछ इस टाइप से ये रिसेप्टर आ गए, ये उसके ग्रुप्स इस टाइप से, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये डाइमराइज्ड को बन जाएगा एक डबल. ये एक दूसरे से हो जाएंगे, यहां पे हमारे टायरोसिन लगे और यहां पे हमारा लिगेंड है. तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक डाइमर बन गया. डाइमर मतलब दो यूनिट्स एक साथ आ गई. तो जैसे ये होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये एक दूसरे के जो टायरोसिन है उनको फॉस्फोराइलेट कर देंगे. फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एड फॉस्फेट ग्रुप. काइनेज हमने कहा कि फॉस्फेट ग्रुप करता है, तो इन सब पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. तो इस तरीके से ये जो रिसेप्टर्स है, ये टायरोसिन रेसिड्यूज पे फॉस्फेट आ गया, तो इस तरीके से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. फिर अगेन जैसा हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा कि सेल सिग्नलिंग में कैस्केडिंग होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को एक्टिवेट करता है. ऐसे डाइमर बनने के बाद ये आगे का सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो है, बेसिकली कुछ भी और रिस्पॉन्स है उसको अब इलिसिट करेगा. तो बेसिकली बेसिक उसका फंक्शन यही है कि ये जो रिसेप्टर है डाइमराइज होता है, डाइमराइज होकर ये टायरोसिन पे फॉस्फेट अटैच कराता है, एंड देन ये एक्टिवेटेड जो पार्ट है ये और आगे के सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस को करता है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैप पाथवे की. अब मैप पाथवे कैसे हो, तो हम बात करने जा रहे हैं मैप पाथवे की. अब मैप पाथवे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं. तो बेसिकली क्या है, ये ज़ूम करिए, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास ये रिसेप्टर्स हो गए जो RTK है हमारे,
तो ये दो अलग अलग हैं, अभी ये डाइमराइज नहीं हुए क्योंकि इन पर लिगेंड बाइंड नहीं हुआ है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे अब लिगेंड आता है, तो लिगेंड इस पर बाइंड करेगा, तो लिगेंड इस पर बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर्स है ये डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइज मतलब जैसे मैंने बताया कि लिगेंड की बाइंडिंग से दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के क्लोज आ गए और जो इनके टायरोसिन जो रेजिड्यूज हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, तो ये एक तरीके से एक्टिवेटेड समझ लीजिए इसे। तो जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसके बाद क्या होगा, एक प्रोटीन होता है सेल में जिसको बोलते हैं GRB2। तो GRB2 जो प्रोटीन होता है वो इस पे बाइंड कर जाता है, और उसी के साथ साथ जो GRB2 प्रोटीन होता है, GRB2 प्रोटीन आपका एक और प्रोटीन होता है SOS, तो वो SOS प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर जाता है। अब ये SOS प्रोटीन जो है, SOS प्रोटीन जुड़ा रहता है आपका RAS प्रोटीन से। अब RAS क्या है, RAS प्रोटीन जो है हमारा, RAS प्रोटीन पे GDP होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब ये एक्टिवेट होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो RAS का जो GDP है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू GTP, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, RAS प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये RAS प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, RAS प्रोटीन के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि RAS प्रोटीन एक और दूसरा प्रोटीन होता है जो होता है RAF प्रोटीन। अब RAF प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। अब एक्टिवेटेड RAS प्रोटीन क्या करेगा, RAF प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, तो RAF प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। और ये RAF प्रोटीन ऐसा नहीं होता, RAF जो होता है ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ये उसको एक्टिवेटेड फॉर्म जो है RAF प्रोटीन की, वो जाके मेम्ब्रेन के इनर साइड पर लग जाती है। तो ये जो जगह हो गई, यहां पे मान लीजिए जो हमारा RAF प्रोटीन है, तो RAF, ये एक्टिवेटेड RAF प्रोटीन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके लग गया। तो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे RAF प्रोटीन लगा है, तो अब ये क्या करेगा, ये एक दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। अब ये किसको एक्टिवेट करेगा, एक दूसरा प्रोटीन है MEK, तो ये MEK प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म है, और इसको ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आएगा MEK प्रोटीन को। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सिग्नल कैस्केड काम कर रहा है, एक प्रोटीन से दूसरा हो रहा है, दूसरे से तीसरा एक्टिव हो रहा है। तो MEK जो है, MEK एक्टिव फॉर्म में आ चुका। अब ये MEK क्या है, ये इंटर्न जाके एक और दूसरा प्रोटीन आता है, वो आपका प्रोटीन है, उसको कहते हैं ERK प्रोटीन। तो यहां से हमने दिखा दिया, तो ये जो एक्टिवेटेड है ये हमारे पास ERK प्रोटीन है, ERK प्रोटीन इनएक्टिव है, MEK की वजह से ये एक्टिवेटेड हो चुका है हमारे पास ERK प्रोटीन, ERK प्रोटीन हमारा एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब ये ERK क्या करेगा, ये ERK जाके आपका जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये अज्यूम करिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, ये सीधे न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे TF। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, तो ये उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इनएक्टिव है, तो ERK की वजह से ये जो फैक्टर है ये एक्टिव बन जाएगा, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से क्या होता है कि अगर ये एक्टिव है तो एक्टिव फॉर्म में फिर ये ट्रांसक्रिप्शन कोई जो भी रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस करना है जो जीन एक्सप्रेशन है उसके लिए। तो अब ये हो गया, तो इसके बाद जो अंदर हमारा DNA है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो बाइंड करेगा एंड देन यहां से हमारा पूरा जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो ये आपने देखा कि कितना इंट्रिकेट, कितना बहुत अच्छे से ये पाथवे बनाया गया है और कैसे एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन चेन बनती जाती है। तो ये RTK का एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप पाथवे, और इसी काफी सारे डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली जो अलग अलग इसमें बीच में प्रोटीन्स आ रहे हैं। ये प्रोटीन्स और भी कई सारे पाथवेज को फ्यूल करते हैं, इन प्रोटीन से और भी कई सारे पाथवेज निकलते हैं। तो ये आपका मैप पाथवे हो गया कि RTK काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं JAK-STAT पाथवे की। तो अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है JAK-STAT पाथवे की। तो JAK-STAT पाथवे क्या है, इसका फुल फॉर्म JAK-STAT पाथवे है जेनस एक्टिवेटर काइनेस। तो इसका नाम जेनस क्यों पड़ा,
क्योंकि ये पाथवे दो मुंह वाला है, और ये जैसे ये है जेनस, जेनस बेसिकली रोमन माइथोलॉजी में दो सिर वाले भगवान है, मतलब इनका दो दो मुंह है, इस तरफ इस तरीके से। तो ऐसी ये जो रिसेप्टर है इसके भी ऐसी दो मुंह है, इसलिए इसको जेनस बोला गया। और काइनेस बेसिकली ये काइनेस वाला का है, तो जेनस एक्टिवेटर काइनेस। और स्टैट का मतलब है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बड़ा लंबा नाम है, मेरे नाम की तरह, प्रांशु चंद्रभूषण सिंह ने की। एनीवेज इसका मतलब है जेनस एक्टिवेटर काइनेस का हमने देख लिया, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये कोई सिग्नल ट्रांसड्यूस कर रहा है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा है। ये जो पाथवे है मोस्टली ये आपका यूज होता है इम्यून रिस्पॉन्सेज में, इम्यूनिटी के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें होता है इम्यूनिटी में, बेसिकली साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस क्या है वो बाद में इम्यूनोलॉजी वाले वीडियो में बताऊंगा मैं। बेसिकली साइटोकाइंस की बाइंडिंग से जैक-स्टैट पाथवे एक्टिवेट होता है और अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेज इलिसिट करता है। अब ये होता कैसे है वो देखते हैं। तो अब जैक-स्टैट पाथवे की वर्किंग देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कहा अगेन इसमें भी डाइमराइजेशन होता है रिसेप्टर का, तो ये एक रिसेप्टर है। और इस रिसेप्टर पे क्या है, यहाँ पे इस रिसेप्टर पे एक जैक यूनिट है, जेनस एक्टिवेटर काइनेज। ऐसी यहाँ पे दूसरा रिसेप्टर है, और ये दूसरे रिसेप्टर पे भी एक जैक यूनिट हो गई हमारी, यहाँ पे भी जैक यूनिट है। तो अब जब लिगेंड आएगा, लिगेंड आया यहाँ से, तो लिगेंड बाइंडिंग होगी, तो लिगेंड्स बाइंड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, अगेन रिसेप्टर्स का डाइमराइजेशन हो जाएगा जैसे आरटीके पाथवे में होता है। इस तरीके से ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये दोनों डाइमराइज हो जाएंगे क्लोज विसिनिटी में। तो ये डाइमराइज हो गए, अब क्या है यहाँ पे भी जैक है और यहाँ पे भी जैक है। रिसेप्टर के डाइमराइजेशन से क्या होगा, रिसेप्टर के डाइमराइजेशन से जैक यूनिट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, बेसिकली फॉस्फोराइलेट हो जाएंगी। तो जैक यूनिट्स दोनों एक्टिवेट हो चुकी, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गई। अब क्या होगा, जब जैक यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगी तो जैक यूनिट्स के एक्टिवेट होने से यहाँ पे बाइंडिंग साइट बन जाएगी आपके स्टैट प्रोटीन की। तो स्टैट प्रोटीन अभी फ्री है, ये स्टैट प्रोटीन है, तो स्टैट प्रोटीन जो है ये फ्री है, लेकिन एक्टिवेशन से क्या होगा इनकी बाइंडिंग साइट बन जाएगी। कैसे, अब वो देखिए, ये यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई अगेन, एंड अपने यहाँ पे ये रिसेप्टर्स आ गए, ये डाइमराइज हो गए, ये रिसेप्टर डाइमर है, यहाँ पे जैक है, यहाँ पे जैक है। तो अब ये क्या करेगा, जो स्टैट प्रोटीन है उसके लिए बाइंडिंग साइट बन जाएगी। अब स्टैट प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास स्टैट प्रोटीन आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टैट प्रोटीन आ गया। बाइंडिंग से क्या होगा, ये भी फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे ये दोनों चीज़ें। तो आपने ये फॉस्फोराइलेट हो गए, अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से डिसोसिएट कर जाएंगे, मतलब यहाँ से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये क्या करेगी, ये अपना खुद का डाइमर बना देगा, स्टैट और ये भी स्टैट, तो ये इनका अपना डाइमर बन जाएगा, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डाइमर बन गया आपके स्टैट प्रोटीन्स का। और जब स्टैट प्रोटीन्स का ये डाइमर बन गया, फॉस्फोराइलेटेड है, तो अब ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस में जाएंगे। जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अलग अलग एक्टिवेट करने के लिए, तो इसी तरीके से ये हमारा न्यूक्लियस है अगर हम ये देखें, तो इसी तरीके से ये स्टैट प्रोटीन जो है, स्टैट प्रोटीन जाएगा आपका न्यूक्लियस में, और यहाँ पे यहाँ जाके जो हमारा डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, इसीलिए बोलते हैं। तो ये हमारा डीएनए हो गया, और इसका यहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर रहा है, और जो भी रिस्पॉन्स है वो इससे बनेगा। तो ये टोटल वर्किंग है जैक-स्टैट पाथवे की, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आज का मेरा क्वेश्चन है, सिग्नलिंग पाथवेज हमने पढ़ लिए हैं, हमने मेजॉरिटी सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ लिए हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप और देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो बेसिक पाथवे की स्कीम्स मैंने आपको बता दिया। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, सिग्नलिंग पाथवेज का एजिंग से क्या रिलेशन है, हाउ इज सिग्नलिंग पाथवे रिलेटेड टू एजिंग, क्या इसका कुछ एजिंग पे इफेक्ट है या नहीं है, ये आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।